1400 साल पुरानी मार्केट है के कैद कोठड़ी बनेड़ी, 3 महीना वो सजा करने का पावर भी है। रात का पानी दाब में आता था, वो गिदड़ा हो जाता था, गंदा होता था, तो यहाँ गांव में आवाज लगवा दी जाती थी भी गांव में सब आगे, और विश्ववार का गुरुवार का यहाँ आगे शेरनी चढ़ाओ, पतासे चढ़ाओ, सारे गांव के लोग आगे पतासे चढ़ाओ। तीसरे दिन पानी बिल्कुल काज जैसा साफ हो जाता था, जैसे कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल, और आज हनुमानगढ़ जिले में बडोपल गांव के अंदर हम आए हैं, और आज आपको हम दिखाएंगे यहाँ का संपूर्ण इतिहास, राजा गंगा सिंह जी के टाइम का पूरा इतिहास जानिए मेरे साथ में, और काफ़ी अनोखी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिएगा। आइए पहले आपको यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बातें करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ताराचंद स्वामी, यहाँ के बारे में जानकारी दीजिए हमको थोड़ी। हाँ, ये हमारा गांव कम से कम 450-450 साल पुराना है जी। और गंगा महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम को बसेड़ो है, और अठे अब भादवांगी बड़ोपल बोला है, तो आप पुराने टाइम में भादवांगी ही, और अठे ढाब मारी है, सबसे बड़ी ऐसी चीज़ ऐतिहासिक ढाब और कुआ, यानी इन ढाबों और इन कुओं 10 गांव अठों पानी ले जाता, हर बार का 10 गांव पानी ले जाता, पुराने टाइम में यहीं से पानी ले जाता, यहाँ से कम 7-8 कोस यानी 15-20 किलोमीटर से लोग आते थे, और पानी हमारी ढाब से ले जाते थे, यहाँ से पानी ले जाके अपना जीवन यापन करते थे। और हमारी ढाब में 10 किलोमीटर इधर जाखड़ा वाली से, 10 किलोमीटर मानीथेड़ी से, ये समतल जमीन थी, ताल की जमीन थी, और पानी सारा यहीं इकट्ठा होके आता था, इसलिए ये 52 बीघों की ढाब थी, और पानी की हमेशा ही यहाँ कभी कमी नहीं रही, और पानी से ये हमें हमारे यहाँ सेम आ गई, पानी से ही हम बर्बाद हो गए, जो कृषि भूमि थी वो सारी उपजाऊ भूमि वो जलमग्न हो गए, सेम ग्रस्त हो गई, पानी है जी। और आज ऐसा वक्त है कि मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज ये बड़ोपड़ गाँव है ना, पानी के लिए तरस रहा है, पीने का पानी नहीं है, खारा पानी तो बहुत है, पीने के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए और आदमियों के लिए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से पानी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, वो भी GLR है, घर घर 20 कनेक्शन नहीं है। पानी काफ़ी है, लेकिन पीने का पानी नहीं है, खारा ही खारा पानी है। आइए आपको और हमारे दोस्तों से बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम? सागरपाल भादू। अर्थ साहब, स्टेट टाइम में कहना मैं आज करीब 450 साल पुरानी मार्केट है के कैद कोठड़ी बनेड़ी, 3 महीना को सजा करने का पावर भी है, वो 84,000 बीघा को रकबो हो बड़ोपड़ गांव को, सबसे बड़ो रकबो बड़ोपड़ गांव को ही हो, करीब 6 दिन बाद में गांव बर्बाद भी हो गया, से माना बीहू पहला गांव खूब तरक्की पर हो, अठे बाजार भी कटेड़ो और दान मंडी इतों उठा गई, बी बाद में गोलवाल चली गई, सेम आने की वजह काफ़ी नुकसान लोगों ने झेलना पड़ो, सेम की वजह से लगभग यहाँ पे गांव को नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान। आइए आपको एक अनोखी चीज़ मैं दिखा के लाऊं, उस समय के गेट महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम के। अब तो हर जगह जर्जर ही मिलेंगे आपको जहां भी देखो, क्योंकि इनकी सार संभाल तो बिल्कुल नहीं है। ये देखो ऊपर से ये पूरा कच्चा है, बीच में एक गार्डर है, ये गार्डर जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये गार्डर ऊंट के ऊपर लाई गई थी। ये गार्डर करीब हनुमानगढ़ से सिर्फ एक ऊंट पे लाई गई थी। लगभग अंदाजन कितने हैवी है, कितनी भारी है, कितने किलो की है? 10-12 क्विंटल की थी। लगभग 10-12 क्विंटल की, और सिर्फ एक ऊंट के ऊपर ये लाई गई थी। और ये है वो जेल, कैद कोठरी बोलते हैं जिसको, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता।
अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि इसमें टांटी वगैरह के छत्ते बने हुए हैं भाई साहब, बता रहे जिस तरह इसमें देखो खड़ा नहीं हो सकता था इंसान, और लगभग 6 महीने इसके अंदर रखते थे जब तक कि वो कबूल नहीं कर लेता था कि उसने ये गुनाह किया है। ये देखिए इसमें इंसान सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, ऐसी सजा मिलती थी यहां पे। ये देखिए उस टाइम की ईंटें, एकदम पतली ईंटें, अब तो इसकी जर्जर हालत हो रखी है एकदम। इस उस समय के टाइम में ये चिमनियां वगैरह रखने की जगह बनाई हुई झरोखे, अब तो ऊपर छत पूरी गिर चुकी है इसकी। बने रहिएगा मेरे साथ में, आइए आपको आगे और चीजें दिखाते हैं। ये देखिए ये उस टाइम का पंखा, क्योंकि उस समय में लाइट नहीं थी तो जो आपने देखा होगा राजा जी के ऊपर ऐसे दासियां हिलाती थी पंखा, वो है यहाँ पे। आज काफी अनोखी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिए मेरे साथ में। वो ढाबा आपको मैं दिखाती हूँ जहां से कि सभी लोग पानी लेके जाते थे। आइए लगभग इतनी दूर में ये देखिए किला फैला हुआ है, वो देखिए इस तरफ तो अब आप देख नहीं पा रहे होंगे, उस पीछे किंकर वगैरह लग गए, काफी दूर में ये फैला हुआ है। झाड़ियां हैं अब यहाँ पे, ये इस साइड से शायद रास्ता था। अब किसी भी किले की यहाँ पे सार संभाल नहीं है, उसके कारण आप इसकी कंडीशन तो देख पा रहे होंगे। ये देखिए, और उस समय में एकदम पतली ईंटें होती थी, आप हर जगह देख लीजिए। ये सेम के कारण लगभग जो है गिर चुका, पानी भर गया था इसमें। जिन्होंने इस बडोपल को बसाया था उनके बारे में पूरी जानकारी जो है भाई साहब आपको देंगे। ये डोलाराम जी बादू है, ये फोटो वाले, इन्होंने ये गांव बसाया था। डोलाराम जी बादू ने ये गांव बसाया था स्टेट टाइम से पहले, और इनके 4 लड़के थे। हाँ, 4 बेटा, एक अंग पिताजी को नाम हो, क्या नाम है, बुड्ढा राम जी, उनके नाम से ये बडोपल नाम टेका गया था। ये पिछली वाली साइड वाली है ना, वो बुड्ढा राम जी के नाम से वो छतरी बनी हुई है। इनके पास वाली है वो डोला राम जी के नाम से छतरी बनी हुई है। ये गणेश राम के नाम से बनी हुई है। एक हीरा राम के नाम से बनी हुई है। एक जीवन राम के नाम से बनी हुई है, और वो आगे वाली स्त्री है वो शिवलाल जी के नाम से बनी हुई है। हाँ, उसके अंदर फोटो भी है। ये तो शिवलाल जी बादू के नाम से है, ये मेरे परदादा जी है, इनका काफी शौक रहा है बड़ोपल गांव को बसाने के लिए। हाँ, साथ शादियां भी हुई हुई है जी। आप उन्हीं की पीढ़ी में? हाँ, उन्हीं की पीढ़ी में। बड़े बड़े इनके लड़के मनीराम जी बादू थे, वो मेरे दादाजी थे। और बाकी इनका परिवार यहीं पे है। दो का नाम इनके लड़के हैं, एक गंगानगर रहते हैं, एक संगरिया रहते हैं। ये डाब का रकबा है 52 बीघा का, दोनों साइडों में। इस साइड में जागड़ाणी गांव है, इस साइड में वांगथड़ी गांव है। इन दोनों का समतल का पानी काफी ऊंचा था, वो प्रशांत का पानी से इस डाम में आके गिरता था। हाँ, खूब लंबा चौड़ा कहना मैं पानी में ठहरता था। करीब 10-20 गांव या नजदीक थे, वो पानी की सुविधा के लिए यहाँ बड़ोपड़ी आया करते थे। सबसे स्टेट टाइम में मीठा पानी बड़ोपड़ गांव में मिलता था, आज सबसे खारा पानी बड़ोपड़ गांव में है।
वो स्टे टाइम का वो भी है, जब वो गांव बसा था उस टाइम में यहाँ चार कुएं बनाए गए थे। सबसे बड़ा कुआ ये था, इसमें चार बार इकट्ठे चलते थे पानी निकालने के लिए, ऊंटों से निकालते थे। आपको एक अनोखी चीज हम बताते हैं जिस पे विश्वास आप करोगे भाई साहब के खुद के मुंह से सुनने के बाद में। हाँ जी, हमारे पुरानी ये ढाबे के अंदर एक बेरी पता नहीं नाली के पानी के साथ यहाँ ये बह के आया था, इसका पानी का ये पेड़ा बेरी का, और यहाँ आने के बाद ये यहाँ रुक गया और रुकने के बाद ये हरा भी हो गया पानी के अंदर। और यहाँ शेख पीर जी की हम शेरनी चलाते थे पुराने टाइम में, जब हमारे ये बरसात का पानी ढाब में आता था वो गिदड़ा हो जाता था, गंदा होता था, तो यहाँ गांव में आवाज़ लगवा दी जाती थी भी गांव में सब आके, और बृहस्पतिवार का गुरुवार का यहाँ आके शेरनी चढ़ाओ, पतासे चढ़ाओ, सारे गांव के लोग आगे पतासे चढ़ा, तीसरे दिन पानी बिल्कुल काज जैसा साफ हो जाता था, जैसे कोई फिल्टर किया हुआ हो इतना साफ हो जाता था। आज भी देख रहे हैं ये, अब इनको यहाँ मतलब नीचे जगह ही तो यहाँ ऊपर डोले के ऊपर स्थापित कर दिया है। आइए अब जहाँ पे उनको स्थापित किया गया आपको वो दिखा के लाते हैं हम जगह। जैसी यहाँ की मान्यता है कि अगर यहाँ पे जैसे बारिश वगैरह का जैसे पानी हो जाता है एकदम मटमैला, उस तरह का यहाँ पे ढाब में जब पानी हो जाता था तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होके, जो अभी हमने आपको दिखाया था उधर पेड़, वहाँ पे आके और प्रसाद चढ़ाते थे गुरुवार को, तो वहाँ का पानी एकदम साफ हो जाता था और उनको वहाँ पे पानी था और नीचे जगह थी, उसके कारण अब यहाँ पे स्थापित किया गया है। और अभी भी गुरुवार को यहाँ पे आते हैं, ये आप मेरे साइड में देख पा रहे होगे, नमक हो गया, झाड़ू होगी, मखाने, पतासे, ये चीज़ें यहाँ पे पीर जी को चढ़ाई जाती है। ये इस तरफ जो है छोटा स्टोर बनाया हुआ है जहाँ पे कि जो प्रसाद वगैरह चढ़ता है, झाड़ू वगैरह, नमक वगैरह, वो यहाँ पे रखा जाता है। झाड़ू भी है, नमक भी है, पर मीठा तो बांट देते हैं, आते ही प्रसाद सबको बांट देते हैं। बरसात के पानी में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते थे जिससे बोलते हैं नारू रोग, जिससे आदमी लंगड़ा हो जाता, हाथों में निकल गया तो हाथ टूटे हो जाते थे, पैरों में निकल गया तो लंगड़ा हो जाता था। जी। पर ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ, सिर्फ शेख पीर जी की वजह से और यहाँ प्रसाद चढ़ाने से ढाब का पानी साफ हो जाता था। कभी भी यहाँ किसी को नारू रोग उस टाइम वो पानी के अंदर बैक्टीरिया गंदा गोबर मिट्टी का सब प्रकार का होता था, पर यहाँ कभी किसी को नारवा नहीं हुआ, नारवा बोलते थे उसको, नारू रोग जी। वो कभी किसी को नहीं हुआ। शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।